नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलदार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, मौत की सुनसान सुनी वादियों में फिर, कि नूतन सर्जना के राग भर दे, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर, दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशाले जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का, उठाकर धर्म का झंडा, करेंगे उत्थान संस्कृति का, गले में शील की माला पहनकर ज्ञान की कंठी, पकड़कर त्याग का झंडा, धरे अभिमान संस्कृति का। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का, जलाकर स्वार्थ की होली, उठाकर इष्ट की झोली, जमाकर संत की टोली, करे उच्चार संस्कृति का। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का, हमारे जन्म का सार्थक, हमारे मोक्ष का साधन, हमारे स्वर्ग का साधन यही उत्थान संस्कृति का। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का। हमारी यात्रा यज्ञ इतिहास की कहाँ रुकी है? कराची, कराची डायरीज। मुरलियों में जैसे ही वर्ड कराची आ जाता है, अगर वो मुरली कोई दादी पढ़ रही है तो उसे वहाँ रुकना ही है। 10 मिनट का फुल स्टॉप। दादियों को मुरली पढ़ते देखा होगा, तो जैसे ही कराची शब्द आ जाता है क्या हो जाता है? वहाँ रुक जाते हैं और कुछ न कुछ, कोई ना कोई बात सुनाती ज़रूर है। तो कराची में बहुत सारी घटनाएं हो रही है, एक एक दिन एक एक घटना का ही हम चर्चा कर रहे हैं। आज कुछ और घटनाएं।
अंग्रेजी में एक शब्द है लेबर ऑफ लव। क्या अर्थ होता है इसका? लेबर तो है, कष्ट तो है, परंतु कैसा प्रेम। ये शब्द बाइबल में दो बार आया है, एक हिब्रू चैप्टर 6 श्लोक नंबर 10, फॉर गॉड इज नॉट अनराइटियस टू फॉरगेट योर वर्क एंड लेबर ऑफ लव। इस क्योंकि परमात्मा अन्यायी नहीं है कि वह तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए, विच ई हैव शिव्ड टूवर्ड्स हिज नेम इन दैट ई हैव मिनिस्टर टू द सेंट्स एंड डू मिनिस्टर, जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। लेबर ऑफ लव अर्थात सेवा तो कर रहे, काम तो कर रहे, परंतु कैसे कर रहे? प्रेम से कर रहे। दो शब्द है, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक है ड्यूटी। ड्यूटी समझ के करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करना, इस सब में क्या है? थोड़ा सा भारीपन है। ड्यूटी है, नहीं करेंगे तो डांट पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, बोझ भी चढ़ेगा, दूसरों को तकलीफ होगी हमारी वजह से, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल थे। तो एक है सेवा करना, ड्यूटी समझकर सेवा करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर, और तीसरा है प्रेम समझकर, वो प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाए। सेवा प्रेम का विस्तार मात्र है। सेवा इज द एक्सपेंशन ऑफ लव। जब हृदय में प्रेम इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, अब वो प्रेम अभिव्यक्त होना चाहता है, अब वो बाहर फूट कर निकलना चाहता है, उसको अब रोका नहीं जा सकता है, थमाया नहीं जा सकता है एक जगह। वो चाहता है कि मैं बहु, विस्तार हो जाए, प्रेम की नदी बहना चाहती है, जहां जहां से गुजरेगी, जहां जहां से बहेगी, द मीएंडरिंग रिवर ऑफ लव। इससे पहले कि समुद्र में मिल जाए, असंख्य जीवों का, असंख्य आत्माओं का, असंख्य चेतनाओं का कल्याण कर जाऊं, कोई न बचे, सबके लिए कुछ न कुछ करूं। जब इस भाव से कोई सेवा करे, उसे कहा जाता है लेबर ऑफ लव। और यहां पर अब तक हम ओम बाबा, बाबा, लेखराज, ऐसे ऐसे नाम का प्रयोग कर रहे थे, पर प्यू ने क्या कह दिया कि ये कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा, नया नाम। टाइमलाइन को हम पकड़ के चलेंगे, 39 से 50 के बीच में ये सब हो रहा है। शायद हम अभी 40 में पहुंच गए, क्योंकि डेट का इस समय कोई पता नहीं। विश्व युद्ध हो रहा है, बस पता है हो रहा है, बाकी उसमें क्या हो रहा है वो किसी को पता नहीं, ना ही जानने की कोई इच्छा है। यहाँ हमने देखा कि कितने लोग हैं, लगभग 300, 350 जो भी है, और इस बीच में अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ बन गए हैं। ये नींव पड़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कराची में। हैदराबाद में आना था और जाना था, यहाँ पर रेसिडेंशियल है, नॉन रेसिडेंशियल मेंबर भी है 40-50। और जो कल कहा था एक और परिवर्तन, सिंधी में कौन, किसका आगमन हुआ? गुजराती, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, जनगण मन, अधिनायक। यज्ञ की सेवा का क्रम भी ऐसा ही था, केवल सिंध से पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। क्यों? तुमने भी मार खाया, हमने भी मार खाया, तुमने भी गाली खाई, हमने भी गाली खाई, तुमने भी सहन किया, हमने भी सहन किया। जब दो ऐसे मिलते हैं तो प्यार बहुत बढ़ता है। पंजाब ने बहुत सहन किया है, महाराष्ट्र ने बहुत सहन किया है, लड़ाइयाँ हुई है, अत्याचार हुए हैं, सिंध से पंजाब। ये आगे की बातें हैं सेवाओं की। तो बाबा क्या क्या करते थे, एक एक डिपार्टमेंट में जाते थे और उमंग, उत्साह बढ़ाते थे कि वो काम जो है वो काम ना रह जाए, वो ड्यूटी ना समझे कोई, कोई केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझे, क्या समझे? प्रेम, लेबर ऑफ लव। लॉन्ड्री में जाते थे, क्या कहते थे? क्या कर रहे हो तुम, किसकी सफाई कर रहे हो? आत्मा की सफाई कर रहे हो, मूत पलीती कपड़ धोए। सिख लिटरेचर का बड़ा जबरदस्त प्रभाव है,
उस समय किचन में जाते थे और योग दृष्टि देते थे, किसको? भोजन को। इसको कहते हैं योग दृष्टि। जो भी बन रहा है, हम खा रहे हैं, उसे क्या करना है? शुद्ध करना है, अपने ही प्रकंपन से, अपनी ही दृष्टि से। दृष्टि से पूरे भोजन को एक बार अच्छे से देखो, उसके बाद खाओ। उससे क्या होगा? भोजन को दृष्टि देने से क्या होता है? वो शक्तिशाली बनेगा। और क्या होगा? मुख में पानी आएगा कि पानी हट जाएगा? लालच के भाव से नहीं खाएंगे। कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस ड्रिंकिंग, दृष्टि देकर जो भी शरीर में डाला जा रहा है, जो भी, उसे दृष्टि देनी है। क्योंकि हम भी कोई साधारण नहीं है। कौन है? पूज्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं, पूर्वज आत्माएं, भक्त जिनकी पूजा कर रहे वो हम हैं, भक्त जिनके चरणों में गिर रहे हैं वो हम हैं, ना भक्ति में जिनके लिए भोग लग रहा है वो हम हैं। कोई भक्त भोग लगा रहा है भगवान को और देखा कि दुर्गा देवी खुद ही, हम आंखें बंद करके वो उधर मुंह करके फटाफट फटाफट खा रही है, लालची दुर्गा देवी, तो भक्त क्या सोचेंगे? और वो देखकर कोई दुर्गा सोचे ये संतोषी को अच्छा मिल रहा है, मुझे कम, उसकी थाली में एक लड्डू ज्यादा, मेरे में कम, या काली माँ सोचे कि इसमें नमक कम है, मुझे कम मिला है, तृप्त भाव है, कोई कंप्लेंट नहीं है। भोजन अर्थात कंप्लेंट नहीं, भोजन अर्थात प्रसन्नता से स्वीकार हो, भोजन अर्थात प्रेम से स्वीकार हो, भोजन अर्थात महिमा करते करते स्वीकार हो। क्या खा रहा हूँ? जो खा रहा हूँ एक एक कण शक्ति बन रहा है चेतना में, वेस्ट नहीं, जितना चाहिए उतना ही लो। जहाँ आए हैं भट्टी करने और तपस्या करने, वेस्ट करके नहीं जाना है कुछ भी। तो फिर बाबा कभी कहाँ जाते? टेलरिंग डिपार्टमेंट। और क्या कहते हैं? क्या कर रहे हो तुम? अपने लिए गाउन सिला रहे हो? कौन सा? सतयोगी। अपने आप को देखो, वो हम पहने हुए। तो कभी बाबा इन सब को कहाँ घूमने लेके जाते? क्लिफ्टन बीच, सबसे पॉश एरिया है कराची का। अभी तो रशियन एम्बेसी, सब एम्बेसी, वहाँ एंट्री भी मुश्किल है। वो एरिया है जहाँ यज्ञवत्सों ने लीलाएं की, वो संसार का महंगा से महंगा एरिया बन गया है। ये भी कोई कम वीआईपी नहीं थे, वीवीवीवीआईपी थे, इसलिए वो एरिया भी इस समय वीवीआईपी बन गया है। जब चलते थे तो बाबा क्या कहते हैं? ये है स्थूल यात्रा। पर स्थूल यात्रा करते करते मन क्या करता रहे? सूक्ष्म यात्रा करते रहे, याद की यात्रा में रहे, अलौकिक यात्रा में रहे। ये जैसे ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो भी कर्म है उसको क्या बनाना है? योग या प्रेम। ये ट्रेनिंग दी जा रही है किसकी? यज्ञ सेवा के महत्व की। और यज्ञ सेवा का क्या महत्व है? ये सभी ऊंच ऊंच घराने से आई हुई है और छोटे छोटे काम कर रही है। वो करते करते क्या हो जाता है? अंदर का जो मैं है, जो अहंकार है, वो क्या होता है? टूटता है। इसके लिए सेवा किस लिए करनी है? सेवा का लक्ष्य क्या है? मधुबन में सेवा के लिए लोग आते हैं। मधुबन महायज्ञ है। बाबा कहते हैं एक है सेंटर पर सेवा करना, एक है घर पर सेवा करना, पर मधुबन महायज्ञ में सेवा करने का महत्व बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। परंतु वो कॉन्शियसनेस मिस ना हो कि हम कहां हैं और क्या कर रहे हैं। अगर 100 गुना उसका फल है तो 100 गुना दंड भी है। फिर यदि हमारे बोल से किसी की स्थिति गिर रही है, यदि हमारे शब्दों से किसी का अपमान हो रहा है, यदि हमारे शब्दों से निगेटिविटी फैल रही है, यदि हमारे शब्दों से वायुमंडल दूषित हो रहा है, तो उसका बोझ भी बहुत बड़ा है। अब तक के इतने वर्षों से किए हुए इतने सारे पुण्य भस्म हो रहे, एक एक पुण्य। मधुबन पुण्य भस्म करने की का भी एक स्थान है। पाप भस्म करने का तो है ही, पर पुण्य भी यहां भस्म होते हैं। यदि यहां रहकर वेस्ट किया, यहां रहकर निंदा की, ग्लानी की, अपमान किया, यदि यहां रहकर
यज्ञ के साधनों का दुरुपयोग किया। इतनी सारी चीजें बनी है, हम पता है हमने कभी खाई नहीं है, सब ले लिया, पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं, और खाते समय पता चला ये तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और फिर फेंक दिया, छोड़ दिया। बोझ छाप अंदर आ जाता है। तो यज्ञ सेवा की नींव कहाँ डाली बाबा ने? बहुत पहले ही डाल दी थी, परंतु मुख्य रूप से कराची। सबने सब प्रकार की सेवाएं की, सब प्रकार की सेवाएं की। उस दिन जो बताया था प्रिंटिंग, सब कुछ खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही टाइप कर रहे हैं, और यहाँ कितनी सारी बातें हो रही है कराची में। प्यू का पाठ चला कराची में, दो किताबें बनी, इज दिस जस्टिस और ओम राधे की प्री ऑर्डेंट वर्ल्ड ड्रामा वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन। सारे लेटर्स भेजे गए यहाँ से ऑल ओवर वर्ल्ड, बुकलेट्स, पोस्टर्स, पिक्चर्स, उस पे तो अभी हमें आए नहीं है, वो भी यहीं से हुआ है। और आपस में जब मिलते थे तो क्या कहते थे एक दूसरे से, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओम शांति कब से बोलना चालू हुआ, ये जो यूनिवर्सल ग्रीटिंग है ब्रह्मा कुमारी, इसका ये किसने इंट्रोड्यूस किया? तो स्टोरीज तो बहुत सी है और बहुत से लोग जानते हैं। पहले जब एक दूसरे से मिलते थे तो क्या कहते थे? मन मनाभव, मन मनाभव, मन मनाभव, मन मनाभव। क्या कहते थे कराची में? मन मनाभव। और जब भारत आए, ब्रिज कोटी में आए, तो हर एक अपना अपना कहता था, कोई एक नाम तो था नहीं, कोई कहता था राम राम, कोई कहता था हरिओम हरिओम हरिओम, कोई कहता था ओम नमः शिवाय, कोई कहता था सद्गुरु साखी, सद्गुरु साखी। और कभी कभी मुस्कुराते थे बस, जब सेवाओं में जाना हुआ, जाते समय क्या बोल के जाए, खाली मुस्कुराते थे, बाबा भी मुस्कुराते थे। और फिर एक माता उस समय ज्ञान में आई पूना में, जो बाबा से मिलने मधुबन आई, और बाबा से कहा, बाबा ओम शांति अगर कहे तो कैसा रहेगा? 1957, बाबा ने कहा बहुत अच्छा, ये शब्द तो बहुत अच्छा है बाबा, बहुत ही खुश हो गया, और आज से यही कहेंगे। तो ये जो ग्रीटिंग है यूनिवर्सल ग्रीटिंग ओम शांति, कब से आया? 1957 से। उसके पहले राम राम हरिओम। अभी बहुत सी संस्थाएं जहां हरिओम कहा जाता है, हरिओम जय श्री कृष्ण। ये माता कौन थी? रजनी माता। 1964 बाबा के एक अलौकिक बच्चे ने जन्म लिया। कौन से? एक अद्भुत बच्चे ने जन्म लिया। बाबा ने कहा ये मेरा मुरब्बी बच्चा है। ये कौन? 64 में जन्म लिया, राइट, ट्रेप रिकॉर्डर। रजनी माता दिल्ली गए, वहां से उन्होंने पहली बार टेप रिकॉर्डर भेजा मधुबन। बाबा को बताया, बाबा ने कहा ये क्या है? बाबा को कहा, बाबा ये आपकी आवाज मुरली एकदम एक्यूरेट रिकॉर्ड करता है। बाबा ने सुना, एकदम खुश हो गए, अरे ये तो मेरा मुरब्बी बच्चा है। वो यज्ञ का पहला टेप रिकॉर्डर था, और उसको संभालने की जिम्मेदारी किसको दी गई बाद में? चंद्रा दादा। तो हर साल एक टेप रिकॉर्डर आता लंदन से। जयंती बहन सुनाते हैं 1957 में, वो उनका परिवार पूना में था, पिताजी कपड़ों का व्यापार था, अफ्रीका में थे, और उसी समय 1957 मम्मा कहाँ आई? पूना में। दादी जानकी वहीं थी, दादी जानकी द्वारा, मम्मा द्वारा, मोस्टली तो मम्मा द्वारा, मम्मा के जानकी दादी निमित्त बनी, मम्मा द्वारा ज्ञान मिला, और ये जो बहन है रजनी बहन, ये ज्ञान में आए। यहाँ पर दो इवेंट्स और है, दो स्टोरीज है छोटी छोटी। कब आए? 1957। जयंती बहन सुनाते हैं कि हमारे माताजी ने मम्मा से पूछा, मम्मा 20 साल लेट हो गया है। कितना लेट हो गया है? 20 साल। हम कब आए? चिंता है कि अब सब तो पद तो फिल हो गए, अब हमें, हमको क्या मिलने वाला है? ये 20 साल हो चुके हैं, लेट हो गया है बहुत। मम्मा ने कहा, देखो अगर ये स्थान से ये स्थान तक पहुंचना है, ए से कोई दूसरे स्थान तक, अगर किसी के पास बैलगाड़ी है तो वो बहुत पहले निकलना पड़ेगा उसको, ठीक है। किसी के पास साइकिल है तो वो थोड़ा बाद में निकलेगा, थोड़ा लेट निकलेगा। किसी के पास बस है वो थोड़ा और लेट, किसी के पास
बाइक है थोड़ा लेट, किसी का कार है और किसी के पास हेलीकॉप्टर है, वो तो बस 5 मिनट के पहले निकलेगा, 10 मिनट पहले, तो वो जो पहले आए ना पहुंचना तो वही है, पर जो जो बाद में आते रहेंगे उनके पास साधन बहुत ज्यादा होगी, उस समय ज्ञान ही स्पष्ट नहीं है, कौन आ रहा है अभी तक इसका ही कंफ्यूजन है, बस प्यार प्यार प्यार, सेवा सेवा सेवा, इसकी वजह से सब कर रहे और सब साथी है, क्यों साथी है, क्योंकि सब सहन कर करके आए हैं, इस वजह से सब चल रहे और सबको कुछ कुछ हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है, वैराग से भरे हुए, मोह नष्ट हो चुका है संसार के प्रति। तो ये एक दूसरा एक प्रश्न है जो रजनी माता पूछती है मम्मा से, मम्मा विकार तो सभी अच्छे नहीं है, फिर बाबा ये काम के लिए इतना क्यों कहता है लस्ट। मम्मा कहती है विकार तो सब है परंतु काम जो है वो कमांडर है। क्या है ये? विकारों की आर्मी का कमांडर। अगर इसको जीत लिया, राजा को ही पकड़ लिया, राजा को बंदी कर दिया, तो बाकी लोग क्या करेंगे? खुद ही लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ेंगे। काम को जिसने जीत लिया, बाकी सभी अपने आप सरेंडर हो जाएंगे। बच्चू बादशाह को पकड़ लो, इसकी भी एक कहानी है। ये कौन थे दोनों, बच्चू बादशाह और पीर वजीर? उस दिन इंग्लिश क्लास में विस्तार से बताया था, हूर कम्युनिटी, बागी थे वो दोनों। तो 1957 में ज्ञान में आए और फिर जो मुरली दादा थे हॉस्पिटल में भी एडमिट थे, इनके युगल, वो तब तो ज्ञान में नहीं थे परंतु अफ्रीका में बिजनेस था, और फिर उनको लगा कि परिवार उधर पुणे में, मैं उधर, उनको यहाँ शिफ्ट कर लूँ, परंतु वहाँ एजुकेशन इतना अच्छा नहीं, और फिर वहीं पर लंदन की ऑफ़र आ गई, इसलिए वो कहाँ शिफ्ट हो गए, 1957 में लंदन, 6 साल तक रहे, 64 में वापस आए लंदन से। पर रजनी माता मम्मा से कहती है कि कैसे वहाँ ये सब होगा, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो वो बाबा से मिलने जाते हैं, राजौरी गार्डन में मिलते हैं, और बाबा कहते हैं तुम हो राम की सीता, तुम हो राम की सीता, रजनी है बाप की, शिव की सजनी। तो वहाँ वो लोग जाते हैं, बाबा की पोस्ट आती रहती है, और वापस आते हैं 64 में, और ये कहते हैं कि 17 तारीख को बाबा ने उनको एक खत भी लिखा था लंदन, जनवरी 69 में, एक दिन पहले अव्यक्त होने से पहले। तो ये दादी जानकी सुनाती है क्लास में कि ये जो ओम शांति है ये कहाँ से निकला, इस माता की वजह से, कि इसने बाबा को एक दिन, ये जब नई नए ज्ञान में आए तो बाबा को सजेस्ट किया कि बाबा बजाय इसके कि सब अलग अलग बोले, सब लोग क्या बोले, ओम शांति, और बाबा को वो बहुत पसंद आया 1957, और तब से ये यूनिवर्सल ग्रीटिंग्स बन गया ब्रह्मा कुमारीज का। और दादी जानकी ये भी कहती है ये माता ऐसी थी, इतनी स्ट्रिक्ट थी, जैसे उसने सुना मम्मा से ये कहती हुई कि काम ही कमांडर है, तुरंत पवित्रता का संकल्प धारण कर लिया, और उसकी धारणा है हर गुरुवार हर सोमवार भोग लगाना, इतना दिन 6 साल 7 साल लंदन में रहे, उस समय कुछ भी नहीं था, फिर भी पूरी दिनचर्या वैसी, अमृत वेला, सब कुछ सब कुछ। जितना हम धारणाओं में स्ट्रिक्ट रहेंगे उतनी बाबा की मदद मिलेगी, धारणाएं ही टूट रही है तो एक्सपेक्ट मत करो कि भगवान की मदद मिलेगी, जितना जो स्ट्रिक्ट है धारणाओं में उसको उतनी मदद मिलेगी। और एक बात यहाँ पर है, एक छोटी सी और एक कहानी है, सुंदरी बहन जी थे पुणे में, उन्होंने कहा कि बाबा आपका भोग स्वीकार करना चाहता है तो आप भोग लगाइए, वो खुद भी संदेशी थी सुंदरी बहन जी, तो रजनी माता ने कहा ठीक है, और वो गुरुवार को भोग लगाना था, बुधवार को अपने वो लौकिक माता जी के यहाँ गई, अर्थात जयंती बहन के नानी के यहाँ, और फिर एक भाई को कहा कि थोड़ा फ्रूट लेके आओ क्योंकि भोग लगाना है सेंटर पर, तो वो अपनी माँ के घर है, और रजनी माता ने पैसे देने के लिए उस भाई को पैसे दिए, पर माता के घर, माता ने कहा तुम नहीं दो मैं दूंगी, एक माँ अपने बेटी को थोड़ी ना पैसे देने देगी, तो वो पैसे देती है, वो भाई भोग ले फल लेके आते, दूसरे दिन सेंटर पर भोग लगता है, भोग संदेश आता है, भोग तो लगा पर भोग रजनी बहन बच्ची ने नहीं लगाया ये भोग रजनी बहन का बच्ची का नहीं था। सुंदरी बहन जी कहती है कि वो तो उसी ने लगाया था, और रजनी बहन कहती है वो तो मैंने ही लाए थे,
परंतु पैसे किसने दिए थे? पैसे रजनी बहन के नहीं थे, वो उसकी माँ के थे। तो बाबा का संदेश आता है कि भोग रजनी बच्ची का, रजनी बच्ची का नहीं था, कर्म की गुह्य गति। तो वापस कराची डायरीज, तो आपस में क्या कहते थे उस समय? मन मना भाव, यज्ञ सेवा। तो यहां पर नींव किसकी पड़ी? यज्ञ सेवा के महात्म्य की, यज्ञ सेवा के महत्व की। सेवा क्या करता है? सेवा का सबसे बड़ा गुण क्या है? वो अपने अंदर के अहंकार को तोड़ता है। इसके लिए सेवा में आते रहना चाहिए, सब भूल के मैं क्या हूं। और हर प्रकार की सेवा करनी है, झाड़ू लगाने से लेकर तो हजारों लाखों के सामने भाषण देने की, सारी सेवाएं, इंटेलेक्चुअल सेवा, स्पिरिचुअल सेवा, फिजिकल सेवा, हर प्रकार की सेवा, किसी को सपोर्ट देने की सेवा, सपोर्ट करने की सेवा, सब प्रकार की सेवा। और एक बात है जो जयंती बहन सुनाते हैं कि एक बार हमारी माताजी ने कंप्लेन की मेरी मम्मा से। मम्मा, जयंती बहन 8 साल की है, तो मम्मा ये योग नहीं लगाती है। तो बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा कि ये जो ड्रामा है ना, इसमें सभी एक्टर्स एक साथ स्टेज पर नहीं आते, हर एक का स्टेज पर आने का टाइम फिक्स है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, होगा अपने आप होगा जब टाइम होगा। और जयंती बहन के लिए ब्रह्मा बाबा ने खुद कहा था कि एक दिन शी विल बिकम स्पिरिचुअल लीडर। क्या बनेगी वो? स्पिरिचुअल लीडर बन जाएगी। और ये जो माता है, यही माता निमित्त बनी अगर देखा जाए लंदन के सेवा केंद्र खोलने की। क्योंकि 69 में बाबा ने जयंती बहन को भेज दिया अव्यक्त बाप दादा ने, पर कुछ खास सेवा नहीं। फिर महारथी आए, जगदीश भाई, रमेश भाई आए, और फिर 74 में दादी आई, फिर सेवाओं का विस्तार हुआ। तो यज्ञ सेवा, तो क्या क्या करता है यज्ञ सेवा? एक तो अहंकार को तोड़ता है, दूसरा सेवा करते करते क्या याद रखेंगे, किसकी सेवा कर रहा हूं? प्रेम। पत्थर नहीं तोड़ना है, उस दिन सुनाया था ना, कुछ भी कर रहे हो तो सोचो पत्थर तोड़ रहा हूं, आजीविका कमा रहा हूं कि परमात्मा का मंदिर बना रहा हूं? ये 3 प्रश्न है। पहला क्या कर रहा है? पत्थर तोड़ रहा है, दुखी है बेचारा, और लास्ट तक पत्थर ही तोड़ते रहता है। हो सकता है छोड़ भी दे पत्थर तोड़ना और भाग जाए, ये भी संभव है। दूसरा क्या कर रहा है? आजीविका कमाई कर रहा है, नौकरी कर रहा है, किस लिए? सैलरी मिलती है बस। तीसरा क्या कर रहा है? वो ना तो आजीविका कमा रहा है और ना ही पत्थर तोड़ रहा है, वो क्या कर रहा है? वो कहता है मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। और एक दिन वो क्या बन जाता है? संत बन जाता है, योगी पुरुष बन जाता है, जो अनेकों को आध्यात्मिक राह दिखाता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये प्रश्न पूछते रहना। मुरली सुनते समय क्या कर रहा हूं? पत्थर तोड़ रहा हूं, कमाई कर रहा हूं, या प्रेम, या झूम रहा हूं भगवान के साथ, नाच रहा हूं? भोजन करते समय पत्थर तोड़ रहा हूं, कमाई कर रहा हूं, या प्रेम? कर्म करते समय पत्थर तोड़ रहा हूं डिपार्टमेंट में बैठकर मजदूर की तरह, कमाई कर रहा हूं, या फिर प्रेम? प्रेम व्यक्ति को, वस्तु को भी व्यक्ति बना देती है, और प्रेमहीन व्यक्ति को भी वस्तु बना देता है। इसके लिए सभी से, इस धरती से भी प्यार, ज्यादा आवाज नहीं करो, हर वस्तु से प्यार, यज्ञ की एक एक वस्तु से प्रेम, कुछ भी हमारी वजह से वेस्ट ना हो। और यज्ञ सेवा में और एक बात, आनंद से यज्ञ सेवा करनी। कैसे करना है? आनंद मगन होकर, जो कल भी सुनाया था शाम को, जगदीश भाई, रमेश भाई न्यूयॉर्क में थे, रमेश भाई ने कौन सी ड्यूटी ले ली थी? झाड़ू नहीं, बर्तन और कपड़े। और जगदीश भाई ने कौन सी ड्यूटी ले ली थी? झाड़ू लगाने की। और गीत कौन सा गाते थे? कौन सा गीत? किसी ने अपना बना के मुझको झाड़ू लगाना सिखा दिया, किसी ने अपना बना के मुझको बर्तन धोना सिखा दिया, किसी ने अपना बना के मुझको पोछा लगाना सिखा दिया। तो सेवा को क्या कर देना है? एंटरटेनमेंट। सेवा क्या हो? लेबर ऑफ लव। सेवा क्या बन जाए?
दुख का कारण ना बने, सुख का कारण बने। बाबा मुरलियों में कितनी बार कहते हैं, अगर वो सेवा जो तुमको दुखी कर दे क्या करो, उसको सेवा ही छोड़ दो, उससे भी पहले उसको सुख का साधन बना लो, कमाई का भी साधन बना लो। तो कराची का ये समय था जहां बाबा ने सेवा की नींव डाली, सेवा का फाउंडेशन डाला, कर्मयोगी का फाउंडेशन डाला, कर्म करते करते डिटैच्ड, और एक फाउंडेशन डाला सेवा करने की आदत, काम करने की आदत। नहीं तो धीरे धीरे ये तुम कर लो, ये तुम कर लो, ये तुम कर लो, और मैं बताऊंगा क्या करना है। हाँ तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, खुद करना, ये आदत, सेवा की आदत, काम की आदत, परिश्रम की आदत डालनी है। जितने छोटे छोटे काम होंगे अपने, वो अपने हाथ से ही करने, ये आदत है। और एक बात, संगठन, संगठन में काम करना, टीम वर्क। कोई भी बड़ा काम बिना यूनिटी के सफल नहीं होता है। कॉन्फ्रेंस है, बड़ी कॉन्फ्रेंस, हम देख रहे हैं कि ये 10-12 स्पीकर है, इनको ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है, और हम जो छोटी सेवा कर रहे हैं, खाना परोस रहे, खाना बना रहे, झाड़ू लगा रहे, या माइक ठीक ठाक कर रहे दे रहे, या एंकरिंग कर रहे, हम सोच रहे देखा इनको ज़्यादा पूछ रहे लोग, हमको कम पूछ रहे। महत्व इसका है ही नहीं कौन क्या कर रहा है, महत्व किसका है, भाव का, कौन किस भाव से सेवा कर रहा है। कोई छोटी सेवा कर रहा है पर बड़ा अहंकारी है उस छोटी सेवा में भी, तो कम मिलेगा। कोई बड़ी सेवा कर रहा है, बड़ी अर्थात उसको लग रहा है बड़ी, उसको लग रहा है ये बहुत बड़ा काम है, पर वो बड़ा काम है ही नहीं। लोग यहाँ मधुबन में आते हैं, कॉन्फ्रेंस में, शिविर में, क्लासेस में क्या सुना किसको याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। याद क्या रहता है, याद क्या रहता है, जिसने वो साइट सीइंग कराई थी ना वो याद रहता है। अगर हम यहाँ मधुबन में आ गए ग्रुप पार्टी और बीमार पड़ गए, पैर में चोट लग गई, जिसने ड्रेसिंग की थी ना बस वही याद रहता है, और जिसने मदद की थी, और यहाँ मधुबन में आए और बीमार पड़ गए, किसी ने भोजन रूम पे लाके दिया था, वो व्यक्ति याद रहता है। बाकी वो क्लासेस में क्या सुना किसी को कुछ याद नहीं रहता है, वो याद तब तक जब तक ताली बजाते तक रहता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आ गए, आ गए। बस वही याद रहता है किसने हमारी क्या सेवा की थी, कितनी दिल से सेवा की थी, वही याद रहता है, बाकी कुछ याद नहीं रहता है। यही वास्तविक सेवा है कि इस व्यक्ति को ऐसा बनाया किसने। लेट हो गया, हम भंडारे में गए, सब कुछ खत्म हो गया है, और किसने और किसी ने हमारे लिए आउट ऑफ द वे जाकर, अपनी नींद को छोड़कर, अपना ज्ञान, अपना योग का समय छोड़कर हमारे लिए कुछ करता है उस समय, वो याद रहता है। हमें पता है इंटरनेशनल योग का समय है पर हमें ठीक नहीं लग रहा है, हमें कुछ चाहिए किसी से, सब लोग जा रहे हैं पर उसमें से कोई एक उस समय हमारी मदद करता है, वो व्यक्ति याद रहता है। वास्तव में यही सेवा है, वास्तव में सेवा ये है। तो चाहे कोई कुछ भी सेवा कर रहा उसका महत्व नहीं है, महत्व किसका है। और ये भी हो सकता है जो भाषण दे रहा है, जो बोल रहा है, वो जो बोल रहा है खुद ही नहीं कर रहा है, और जो सुन रहे वो सब कर रहे, ऊपर से तो दिख रहा है ये देखो ये सिखा रहा है सबको, और वो खुद ही कुछ भी नहीं कर रहा है वो। जी, तो त्याग, सेवा में जब तक तीन बातें नहीं है, त्याग, तपस्या, वैराग, तब तक वो सेवा सफल नहीं होती है, चाहे कुछ भी कर लो। अंदर वो त्याग दिखना चाहिए, अंदर हम उसके स्वरूप हो। और एक चीज, जो भी सेवा कर रहे चाहे वो लौकिक ही क्यों ना हो, उस लौकिक को क्या कर देना है, अलौकिक में परिवर्तित कर देना, यह है कर्मयोग। छोटी सी छोटी सेवा है, चाहे कोई जॉब कर रहा है, ऑफिस में जाता है, सुबह जाता है शाम को आता है, उस सेवा को क्या कर देना है, स्पिरिचुअलाइज, स्पिरिचुअलाइजेशन, अलौकिक में रूपांतरित कर देना है उसको, कि ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, बाबा की प्रत्यक्षता के लिए, ये मैं किस लिए कर रहा हूँ। उसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है ईश्वरीय सेवा से,
परंतु वो सेवा अगर हम एक्यूरेट करते हैं तो उससे भगवान की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि हमारी जब संसार में स्तुति होगी तो हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी जुड़ा हुआ है। हमारी अगर हम कोई अपकीर्ति करते, हमारी वजह से कोई गलत होता है, तो उसके साथ हम एक एक संस्था है, हम एक एक संस्था से जुड़े हुए, हम अब अकेले नहीं है। ऐसे नहीं कि बैच पहनकर और वाइट ड्रेस पहनकर सिनेमा थिएटर की लाइन में खड़े हो जाए, अरे हमको इच्छा हुई आज सिनेमा देखने की इसलिए जा रहे, तो लोग क्या सोचेंगे कि ये पूरी संस्था ऐसी होगी। स्कूल, हम किस स्कूल में हैं, हम स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो हम नुमाइंदे हैं, पोषण, वी आर रिप्रेजेंटेटिव है इस संस्था के, तो इसलिए कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सकते कि यहाँ तो कोई दिखता नहीं, बीके वगैरह कोई नहीं है और कोई मुझे जानते नहीं है, नई जगह है तो कुछ भी कर लो। लोग सब कुछ नोट करते, एक एक चीज देखते हैं, एक एक चीज को देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, चाहे कहीं पर भी हो, ट्रेन में बैठे हुए हमारे लिए सब अपरिचित है, पर उन लोगों को पता है ये ओम शांति उन लोगों को पता है हमने अगर वहां गुस्सा किया, हमने देखा बीके तो है नहीं, मैदान खाली है बीके अगर हो तो थोड़ा प्यार फिर से चलते, पर यहाँ तो कोई नहीं, बाहर के लोग है, और उसमें भी स्वेटर वेटर पहन लिया, जैकेट विकेट बैच तो अंदर रह गया, और है भी तो छोटा सा, इतना सा है भी या नहीं ये पता भी नहीं चलता है, ऐसा छोटा बैच होता है ना, एक बटन बैच, कोई कहे बैच कहाँ है, ये क्या है, और कोई कहे अच्छा कोई कोई हमें तो कुछ पता नहीं बीके का, दोनों तरफ इधर भी पाओ उधर भी पाओ। तो वी रिप्रेजेंट यू इंस्टीट्यूशन, हमको देखकर लोग इस स्कूल का मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, ये बच्चा इस स्कूल का है, ये ठीक नहीं है, मतलब कोई भी ठीक नहीं हुए। किसी को कहो कि चलो आप मधुबन में हमारे यहाँ, वो कहते देख लिया, वो आया था एक, उसको देखकर उन्होंने पूरा इसका इवैल्यूएशन कर दिया कि ये ऐसा है। इसके लिए सेवा का एक महत्व क्या है, जो भी काम करो उसको स्पिरिचुअलाइज कर देना, छोटा से छोटा हो परंतु उसको कैसे करना है, प्रेम से। एक जर्मन यात्री भारत आता है, बहुत सुनता है महिमा, भारत में एक योगी है, वो उससे मिलने आता है, योगी अंदर बैठा हुआ है, वो जर्मन यात्री दरवाजा जस्ट लगा हुआ है, वो जोर से खोलता है, पहले अपना जूता निकालता है, पटकता है, मतलब रखता है, विदेश से आया हुआ है, जैसे निकाला डाल दिया, निकाला डाल दिया, फिर जोर से दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है। वो कहता है मैं बहुत दूर जर्मनी से आया हूँ आपसे आध्यात्मिक ज्ञान सीखने। वो कहता है, योगी कहता है मैं नहीं सिखाऊंगा, पहले जाओ दरवाजे और जूते से माफी मांगकर अंदर आओ। वो कहता है व्हाट, किससे माफी? वो कहता है दरवाजे और जूते से, क्या उनमें भी कोई चैतन्य है, उनमें भी कोई कॉन्शियसनेस है जो जाके मैं माफी मांगू? वो कहता है ये मेरी शर्त है, नहीं तो जाओ। अब क्या करता बेचारा, इतना दूर से भारत आया है, जाता है कहता है जूतो मुझे माफ कर दो, हे दरवाजे मुझे माफ कर दो अंतर आता है। वो योगी कहता है अब ठीक है। वो जर्मन यात्री अपनी जीवन कहानी में लिखता है ये बात मुझे अत्यंत पागलपन की लगी, इट्स एन एब्सोल्यूट इंसेनिटी, परंतु जैसे ही मैंने जूतों से माफी मांगी और दरवाजे से माफी मांगी, एकदम अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि क्रोध में आया था अंदर, उत्सुक ये थी, एक एक्साइटमेंट थी, और वो उसका स्वभाव था उस तरह के से। एक नया चैप्टर सीखा प्रेम का, हर काम को प्रेम से करना, हर काम को अलौकिक बना देना, और जब प्रेम होता है तो कितना भी भारी काम क्यों ना हो। जैसे भारत में एक व्यक्ति है जिसका नाम था भवानी दयाल, योगी है, बहुत बड़ी किताबें वगैरह लिखी है उन्होंने। वो कहते हैं मैं एक बार, इसके पहले भी सुनाया है, हिमालय जा रहा था, अफ्रीका से भारत आए भवानी दयाल, बहुत कड़ी धूप थी, थकान हो रही थी, और मैंने देखा एक लड़की भी चढ़ रही है उधर से, उसके पीठ पर एक छोटा सा बच्चा है, और वो भी चढ़े जा रही है, चढ़े जा रही है, मैं भी चढ़ा जा रहा हूँ, तो इतना थकान इतना पसीना, वो रुकता है और उस बच्ची से कहता है ये लड़की रुक, क्या तुम थकती नहीं हो और इतना बोझ लेके जा रही हो? वो कहती है ये मेरा छोटा भाई है और भाई का बोझ
नहीं होता। ये मेरा छोटा भाई है और भाई का बोझ नहीं होता। सामान होता तो उसका बोझ है, पर जहां प्रेम आ गया वहां बोझ नहीं है। वो मेरा भाई है। किसी का लौकिक भाई, बहन, माँ बाप बीमार पड़ते रात भर सेवा करते, थकते हैं क्या? माँ थकती है क्या अपने बेटे की सेवा करते करते? बेटा बीमार है, वो कहती है कि 5 बज गए, मेरी ड्यूटी पूरी, बाय। बेटे को बीमार है, उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। तो ड्यूटी अर्थात नो टाइम लिमिट, जब बुलाए तब रेडी। मेरी ड्यूटी हो गई, हम तो चले। कौन सी ड्यूटी? सबकी सब ड्यूटी है और हर समय रेडी। तो ये यज्ञ सेवा का महत्व है। क्या क्या बताया, क्या क्या सीखेंगे आज? जो भी बताया उसमें, झाड़ू पोछा करते समय भी नशा क्या हो, हम विश्व की सफाई कर रहे हैं, विकारों की सफाई, ऊंचे स्वमान में सेवा करना। एक क्या आएंगे, टेलरिंग की सेवा कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? सतयुग की ड्रेसेस बना रहे। किचन में सेवा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? किसके लिए? जो भोजन ये खाएगा उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। भोजन बनाते समय क्या संकल्प करना है? मैं जो भोजन बना रहा हूं, बना रही हूं, जो उसको खाएगा, वो चाहे या ना चाहे, उसका हृदय शुद्ध होना ही है। और दुआएं मिलती, और एक सेवा जितनी करोगे उतनी क्या मिलती? आत्माओं की दुआएं, क्योंकि आत्माओं को सुख देते हो, इसलिए सूक्ष्म गुप्त दुआएं। कोई आके कहेगा नहीं आपसे, कोई आके कहेगा नहीं कि बहुत अच्छा, पर डिपार्टमेंट में आया और देखा इतनी स्वच्छता, इतना क्लीनलीनेस, तो दुआएं अपने आप देगा, कहेगा नहीं, चुपचाप सूक्ष्म दुआएं। और सूक्ष्म दुआएं ही हमें चलाती है वास्तव में, दूसरा कुछ नहीं चलाती। दादी जानकी हमसे कहती थी हमेशा, डॉक्टर तुमको जो दवाई देनी है दे, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी, मेरे पास दुआएं बहुत है, चाहे तुम दो या मत दो, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि दुआएं बहुत है। सारे विश्व की दुआएं लेके घूम रही है वो आत्मा। कितना त्याग, कितनी तपस्या जीवन में। और क्या सीखा? माफी, किससे माफी? हाँ, दरवाजे से। हर प्रेम, हर कार्य प्रेम से। जब प्रेम होता है तो वस्तुएं भी व्यक्ति बन जाती है। इसलिए बाबा कहते थे, टेप मेरा बच्चा है, ये खांसी भी मेरी बच्ची है। एक एक चीज, कोई भी चीज हमसे वेस्ट ना हो, हमारे पर बोझ चढ़ेगा नहीं तो। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना यह भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत सेवा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, और एक दिन बीमार ऐसे पड़ते हैं कि 6 मास तो छोड़ो, उसमें कितने पैसे पानी की तरह बह जाते हैं, एक ट्रीटमेंट में लाखों खर्च हो जाते हैं। और वो बीमारी आई भी किस लिए? हमारी वजह से, हमारे आलस की वजह से। बाबा ने कहा है, सोचो समझो क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना खाना कितना नहीं खाना, हर चीज। अगला, अहंकार नष्ट होता है सेवा करने से, आदत पड़ती है सेवा करने की, दुआएं मिलती है सेवा करने से, अलौकिक लौकिक अलौकिक में परिवर्तित हो जाता है, और सेवा करने से आलस खत्म हो जाता है, खुशी होती है, तृप्ति मिलती है, एनर्जी आ जाती है, और ये बहुत खुशी मिलती है कि हमने यज्ञ की सेवा की। बहुत आनंद ही आनंद रहता है अंदर, भगवान राजी होता है। 3 सर्टिफिकेट, गाइड की सेवा, खुशी खुशी होती है, बहुत खुशी। और सेवा करने से और एक काम होता है, हम दुखी है जिस दिन, उस दिन किस पर भाषण करना है? सदा खुश कैसे रहे। अगर कहीं भाषण जाना देने जाना हो और वो कहे कि भाई टॉपिक क्या है तुम्हारा, तो बोलना मेरा ये टॉपिक है, रोते रोते ही लिख के भेज देना, ये मेरा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? सदा खुश कैसे रहे, रोना प्रूफ कैसे बने, इधर रोए रो रहे। फिर अनुभव से बोलेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें जो हमें सेवा सिखाती है, तो बाबा ने ये पाठ भी यहाँ सिखाया। लेबर ऑफ लव, बने हम धर्म के योगी, रमता योगी बन के बाबा ने खुशी खुशी से फ्रेंडशिप के साथ सब कुछ सिखाया सबको। धरेंगे ध्यान संस्कृति का, उठाकर धर्म का झंडा, करेंगे उत्थान संस्कृति का। एक नई संस्कृति का निर्माण हो रहा है, दैवी संस्कृति का निर्माण हो रहा है। दैवी संस्कृति की नींव संगम पर पड़ रही है, एक ऐसी संस्कृति जो आज तक कभी थी नहीं। और जब किसी शिशु का जन्म होता है तो केवल माँ के गर्भ से नहीं, परंतु एक संस्कृति के गर्भ से जन्म होता है। जो नई संस्कृति है उसका गर्भ संगम युग है। संगम युग के गर्भ से सतयुग के संस्कृति का जन्म हो रहा है, और उसके धाती हम हैं, वो हम, हमारे द्वारा हो रहा है।
गले में शील की माला पहनकर ज्ञान की कफनी पकड़कर त्याग का झंडा धरे अभिमान संस्कृति का जलाकर स्वार्थ की होली, ये सेवा करते करते स्वार्थ भी नष्ट होता है, उठाकर इष्ट की झोली जमा कर संत की टोली करे उच्चार संस्कृति का, बने हम धर्म के योगी धरेंगे ध्यान संस्कृति का, हमारे जन्म का सार्थक हमारे मोक्ष का साधन हमारे स्वर्ग का साधन यही उत्थान संस्कृति का, बने हम धर्म के योगी धरेंगे ध्यान संस्कृति का। ओम शांति। बने हम धर्म के योगी धरेंगे ध्यान संस्कृति का, उठाकर धर्म का झंडा करे उत्थान संस्कृति का, बने हम धर्म के योगी धरेंगे ध्यान संस्कृति का, उठाकर धर्म का झंडा करे उत्थान संस्कृति का, गले में शील की माला पहन कर ज्ञान की कफनी पकड़ कर त्याग का झंडा धरे अभिमान संस्कृति का, बने हम धर्म के योगी धरेंगे ध्यान संस्कृति का, जलाकर स्वार्थ की होली उठाकर इष्ट की झोली जमा कर संत की टोली करे उच्चार संस्कृति का, बने हम धर्म के योगी धरेंगे ध्यान संस्कृति का, हमारे जन्म का सार्थक हमारे मोक्ष का कारण हमारे स्वर्ग का साधन यही उत्थान संस्कृति का, बने हम धर्म के योगी धरेंगे ध्यान संस्कृति का, उठाकर धर्म का झंडा करे उत्थान संस्कृति का।